हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्ते, कैसे हो आप सब? आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे जो है ये 2 तारीख का क्लिप था, 2 दिसंबर को। तो अगली वाली वीडियो में जो है मैं नवंबर बोल दी थी, 1 दिसंबर की जगह मैं 1 नवंबर बोल दी थी, तो उसके लिए सॉरी। तो अभी ना यहाँ पे जो है सुबह का टाइम हो रहा था, तो हम लोग जो है नहा लिए थे और बस ये डुग्गू बचा था नहाने के लिए, तो इसको अभी मैं नहला रही हूँ। और अभी मैं इसके लिए गर्म पानी करके लाई हूँ लाल वाले बाल्टी में। तो लाल वाले बाल्टी में इसमें थोड़ा सा मिक्स करके, और अभी मैं इसका जो यही बॉडी वॉश और मामा अर्थ का जो है यही सब शैम्पू और बॉडी वॉश से वैसी से मैं नहला लेती हूँ। और इसके बाद ना फिर मैं वीडियो जो है नहीं बना पाती हूँ। फिर अगली जो है ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप था, तो ये 3 दिसंबर का। तो यहाँ पे ना अभी जो है सुबह सुबह का टाइम हो रहा था, तो अभी इतने सारे बर्तन जो है मैं धो ली थी, और इसको अभी मैं एक बार और खंगाल लेती हूँ और सारे बर्तनों को मैं धो लेती हूँ और फिर ले जाती हूँ। और यहाँ पे ना ठंडा जो है बिल्कुल भी नहीं है। तो इस टाइम ना तो मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और 7 बजे का टाइम हो रहा होगा, और यहाँ पे मतलब बस डुग्गू और बच्चों को स्वेटर एक एक करके पहना देती हूँ, और मुझे तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगता है। और बस मैं सुबह के टाइम एक स्टोव जो है डाल लेती हूँ, और शाम के टाइम में ना बिल्कुल भी ठंड नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ये देखिए अभी मैं सारे बर्तन जो है धुल चुकी हूँ, और यहाँ पे ये देखिए हम लोग जब से आए ना तब से जो है दातुन से ही मुँह धोते हैं, तो ब्रश से धोते हैं तो फिर वहाँ पे धोते हैं, तो यहाँ पे आए हैं तो दातुन, वहाँ पे दातुन नहीं मिलता है इसी वजह से यहाँ पे आए हैं, तो दातुन भी दातुन से ही धोते हैं। और इसके बाद जो इसमें मैं पानी ले जा रही हूँ, तो यहाँ पे इसको जो देख रहे हो ना आप, जिसमें मैं पानी भरी हूँ, तो इसको जो है डेगची बोला जाता है। और यहाँ पे ना इसी तरीके का सब लोग जो है डेगची रखते हैं और उसी में जो है पानी भर भर के रखते हैं। तो अभी मैं ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, तो अभी जो है मैं पानी भर के लाती हूँ, उसके बाद जो है फिर नहाने जाऊँगी। और नहा के आके फिर ये हमारा किचन है, तो इस तरीके का ही एक गली है, तो इसी तरीके से जो है मैं पानी लाती हूँ। और ये देखिए सारे डेगची में जो है मैंने पानी भर के रखा हुआ है। और यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, तो मैं अभी सुबह का चाय बना रही हूँ, तो नहा के भी मैं आ गई थी, उसके बाद जो है मैं चाय बना रही हूँ। तो ये पाउडर दूध का मैं चाय बनाऊंगी, तो इसमें मैं चीनी चाय पत्ती डाल देती हूँ और पानी डाल देती हूँ, उसके बाद जो है लास्ट में मैं पाउडर दूध जो है मैं फिर इसमें ऐड कर दूंगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? तो अभी जो है मैं एक प्रोडक्ट के बारे में आप सबको बताना चाहती हूँ। तो वाव की तरफ से मुझे ये आया था, ये वाव का है स्ट्रेच केयर ऑयल। और सबसे पहली बात ये है कि इसमें जो केमिकल होते हैं ना, तो वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें जो है नो पैराबेंस, नो सिलिकॉन्स, नो मिनरल ऑयल, नो कलर, इसमें जो आपको ये सब कुछ भी नहीं मिलेगा, 100% नेचुरल है। तो अभी मैं इसको खोल के दिखाती हूँ पहले, और इसकी पैकेजिंग जो है बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। तो इसको पंप वाला है, अभी मैं दिखाती हूँ आप सबको। तो ये देखिए अभी ये जो है इस तरीके का पंप पैकेजिंग में ये आता है, और अभी इसको देखिए इस ऑयल को ये इस तरीके का दिखता है। और ये आप कहाँ लगा सकते हो, जैसे कि प्रेगनेंसी के बाद ना स्ट्रेच मार्क्स जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आप उस एरिया में, कमर में, पेट में, उस एरिया में ना इस ऑयल को लेके जो है मसाज कर सकते हो। उससे जो है आपका ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखता है, और जहाँ इस मार्क्स से जहाँ है ना तो वहाँ पे लाइट करता है, मतलब कम करने की कोशिश करता है। तो अगर मैं खुशबू की बात करूँ ना, तो इसमें लेवेंडर की स्मेल है, और इसकी पैकेजिंग जो है इको पैकेजिंग है। और इसमें आपको ना ये देखिए क्यूआर कोड मिल जाएगा, तो इसको स्कैन करके आप देख सकते हो कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो वहाँ की साइड में ना अगर आप इसको दोबारा जो है नेक्स्ट कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो, तो उसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएगा, और ये जो है 200 ml का है। और ये वाव का जो है इनका अपना ऐप है, तो ये इंडिया का ऐप है, और इसमें अलग अलग सेक्शन आपको मिल जाएगा, जैसे ब्यूटी, हेयर केयर, कॉम्बो सेट भी इसमें मिल जाएगा, बेबी केयर के प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं इसमें। तो वाव ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो, इसका प्राइस 699 रुपीज़ का है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें लेवेंडर की खुशबू आती है, तो बहुत ही अच्छा है। जो स्कैच मार्क्स जिनका ज़्यादा है, तो
तो वो जो है इस ऑयल को ले सकते हैं। और अभी तो मेरे स्कैच नहीं है मेरे बॉडी में, तो मैं इसको जो है अपने मॉइस्चराइजर के रूप में यूज करती हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, स्किन को जरा सा भी ड्राई नहीं होने देता है, तो मैं इस तरीके से इस ऑयल को यूज करती हूँ। तो इसके लिंक ना मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। और ये आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट कोई भी वेबसाइट में आपको ये मिल जाएगा, और मेरे लिंक के थ्रू आप खरीदेंगे ना तो उसमें जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स हमी ना बांग्ला बोलते पारी ना बुझते पारी, तो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोली हूँ। तो बस मुझे ना समझ जाती, मैं मुझे बोलना नहीं आता है। और अभी ये देखिए मेरा हाल, अभी मैं ना पानी लेके आई हूँ, तो सर पे रखी थी और पानी लेके आई तो मैं पूरा ना भीग गई हूँ थोड़ा सा। और अभी जो है इवनिंग का टाइम हो रहा है और यहाँ पे धुआं, देखिए धुआं आ रहा है। तो इसके बगल वाला घर में ना कोयला का चूल्हा जलाए हैं, तो धुआं जो है यहाँ तक आ रहा है। और अभी टाइम हो रहा है, इवनिंग का टाइम हो रहा है, तो आज दिन भर ना कोई ब्लॉग जो है मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि मैं अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक नहीं लग रहा था, इसी वजह से मैं कोई ब्लॉग आज नहीं बनाई। तो आज मेरा ब्लॉग भी नहीं गया है, तो देखती हूँ आज जो है मेरा ब्लॉग अगर बन जाएगा ना तो कल जो है चला जाएगा। और अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, 5:30 बज रहा है, तो अभी मैं शाम का अभी जा रही हूँ खाना बनाने। तो शाम के खाने में सिंपल जो है रोटी और भुजिया बनेगा। और आप लोग बोलते हो ना कि अपना लंच रूटीन ब्रेकफास्ट रूटीन दिखाइए, तो यहाँ पे बस लंच में दाल चावल सब्जी बनता है और सुबह शाम जो है रोटी बनता है। तो और बैंगन, यहाँ पे ना बैंगन जो है बहुत ही अच्छा लगता है, फ्रेश वाला बैंगन आता है ना, तो मतलब कभी जो है बैंगन का सब्जी बन जाता है, कभी फूल गोभी का सब्जी बनता है। तो अभी भी शायद बैंगन का ही सब्जी बनेगा और रोटी बनाऊंगी। तो अभी मैं भींज गई हूँ पूरा, और मुझे ना बांग्ला बोलना जो है नहीं आता है, मैं बस समझ जाती हूँ। तो आप लोग बोले थे कि बांग्ला बोल के दिखाइएगा, तो बस मुझे नहीं आता है बोलने, इसी वजह से मैं थोड़ा थोड़ा बोल लेती हूँ किसी से, अगर कोई बोलते हैं ना तो फिर थोड़ा थोड़ा जो है मैं बोल लेती हूँ, नहीं तो फिर ऐसे अगर बोलूँगी ना अचानक, जैसे आप सबसे हिंदी से ही बात कर रही हूँ, तो अगर मैं बंगला बोलूँगी तो फिर नहीं बोल पाऊँगी, इसीलिए मैं समझ जाती हूँ और बोल भी नहीं पाती। तो फ्रेंड्स अभी ना मैं आ गई हूँ अपने दादी जी के घर पे, तो यहाँ पे ना हमारी दादी जी है रोटी बना रही हैं, तो हम लोग जब भी आते हैं ना ये हमारे लिए जो है रोटी ज़रूर बनाते हैं। तो ये देखिए ये हमारी दादी जी है यहाँ पे बना रही हैं, और ये लकड़ी का चूल्हा पे बन रहा है, ये देखिए बैक कैमरे से मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ये पीठा बन रहा है, और ये यहाँ पे ना इसमें चावल का आटा है, हल्दी है, नमक है, और टोटी बोलते हैं ना, तो टोटी है उसमें, और गर्म पानी दिए हैं, और लकड़ी के चूल्हा में ही ये खाना बनाते हैं। और ये कोयला का भी चूल्हा है, तो इसमें अब ये देखिए बन रहा है। तो हमारी दादी जी है ये, और ये देखिए डुग्गू है यहाँ पे, और ये दादाजी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना थोड़ा सा जो है लाइट की प्रॉब्लम है, इसी वजह से थोड़ा अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। और ये देखिए फुली फुली रोटी जो है अभी बन रहा है। तो जब भी हम लोग आते हैं ना गांव, तब भी जो है ये हमारे लिए रोटी बनाते हैं। तो अभी ये वाला तो ये पीठा है, तो पीठा या रोटी जो भी बोलते हो, तो पीठा है बना रहे हैं, और अभी गुड़ का पीठा भी बनाएंगे। तो गुड़ का पीठा भी बनेगा, पहले ये वाला बनेगा, इसके बाद। तो बहुत ही ज़्यादा लाइट की प्रॉब्लम है यहाँ पे, इसीलिए थोड़ा अंधेरा जैसे दिख रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए ये जो है दादी जी फूली फूली ये नमक के पीठा बनाए हैं, तो अभी हम लोग खा लेते हैं, और अभी थोड़ा सा और बचा है तो वो भी अभी दादी जी जो है बनाते हैं। और ये देखिए ये लास्ट का बचा था, तो अच्छा लगा था, नमक का था ना, तो नमक का जो है बच्चे फ्रेंड्स पसंद अभी किए जो थे। है हम लोग का डिनर हो गया है, और अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं अपने बेडरूम में जहाँ हम लोग सोते हैं। और मेरा फीवर ना थोड़ा थोड़ा जो है, तो कल से मेरा फीवर था, तो कल दवाई ली ना, उसके बाद जो है मेरा फीवर ख़त्म हुआ है।
और आज जो है यहाँ पे गोलू का भी फीवर हो गया है, तो इसका भी जो है शरीर गर्म लग रहा है, और इसका भी देखते हैं आज ही आया है तो इसका ना कल जो है फिर दवाई लेंगे। तो ये वाला वीडियो जो है जितना हो सके मैं डाल दूँगी, और नहीं तो फिर कल भी जो है मेरा वीडियो नहीं जाएगा। तो ये थी मेरी छोटी सी आज की वीडियो। हाँ डुगू ना, डुगू जो है अपने दादी के साथ सोया है, तो जब से आया है ना तब से जो है हम लोग के साथ सोया है। उसके बाद जो है 2 दिन के बाद से जो है डुगू ना अपने दादी के साथ सोता है। तो यहाँ पे अगर मैं बुलाती हूँ ना मैं, तो फिर यहाँ पे नहीं आता है, उसको दादी के साथ जो है वो सो गया है। तो ये थी मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो। तो जितना भी होगा जितना बड़ा ये वीडियो, तो मैं इसको जो है कल डाल दूंगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? अगर आप सबको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।